सर्व ब्राह्मण महासभा बालाघाट ने सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित राजेश पाठक पर लगाए जा रहे अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप पर लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृतो को मानसिक रोगी करार दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक पर लगाए गए जिले के मऊ और मलाजखंड बाजार और प्लाजी बाजार में 2,00,000 गायों को कटवाने के आरोप और शिकायत को झूठ का पुलिंदा, मिथ्या और मनगढ़ंत बताते हुए उसे हास्यास्पद और तर्कहीन करार दिया। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक समृति द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कहा कि समृति दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। कई संगीन आपराधिक मामले में घिरे समृति को लोगों पर अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप लगाना मीडिया की सुर्खियों में रहने की आदत है। समाज में ब्राह्मण समाज वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों को मानने वाला समाज है। हमारे वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट व्याख्या है, गाय हमारी जननी है, गाय हमारी माता है और गाय के बिना हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन समृति द्वारा समाज के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक पर 2,00,000 गायों को कटवाने की मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाने से पूरे ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी का जवाब भी कहीं न कहीं समृति को देना होगा। सर ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अध्यक्ष श्री पाठक शुद्ध सनातनी जनेऊधारी ब्राह्मण है, कौ पूजक और सनातन धर्म पर उनकी अकाट्य आस्था है। समाज में महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ समृति द्वारा लगाए गए आरोप ब्राह्मण समाज के प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति का अपमान है। उन्होंने समृति को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपने आरोपों को प्रमाणित रूप से सिद्ध करें या फिर ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। समृति पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगाए गए मिथ्यापूर्ण आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दिए गए आदेश के तख्त टिप्पणी करते हुए समृति को अवांछनीय व्यक्ति बताते हुए 50,00,000 रुपए का जुर्माना व 6 साल तक का चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। परंतु किशोर समृति स्वयं एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। एक जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि के रूप में गरिमामय व्यवहार और संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में यूं तो किसी भी नेता का आगमन हमेशा जनसेवा और क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए होता है तथा इसी ध्येय पर कार्य करने का दृष्टिकोण हर नेता का उस परिस्थिति में होना चाहिए जब वो चुनाव हार भी जाए बावजूद जनता की लड़ाई लड़ने का क्रम में उसके माध्यम जारी रहे। लेकिन बालाघाट जिले की राजनीति किशोर समृति के कार्यालय को देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में किशोर समृति नेता के स्थान पर एक बड़े जालसाज और ब्लैकमेलर के रूप में सामने आए हैं। प्रतिष्ठित लोगों का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ झूठी शिकायतें करना उनका कारोबार बन गया है जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सर ब्राह्मण समाज ने कहा कि समृति द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से सर ब्राह्मण समाज तथा परशुराम सेना भी बेहद आक्रोशित है। उन्होंने शासन प्रशासन से समृति के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सर ब्राह्मण समाज के आदित्य पंडित, प्रमोद तिवारी, रमेश दीक्षित, राजेश दुबे, आशु तिवारी आदि सभी उपस्थित रहे। समाज की भावनाओं को आहत किया है, क्यों? क्योंकि हमारे गौरव दो हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज के पंडित राजेश पाठक जी, उनके ऊपर समिति के द्वारा जो अनर्गल बेबुनियादी तथ्यहीन और अप्रामाणिक जो आरोप लगाए हैं उससे ब्राह्मण समाज आहत है। ये किशोर समृति के द्वारा एक समाजसेवी उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति की चरित्र हत्या का प्रयास है जो निंदनीय है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, महाकौशल ब्राह्मण सभा, इन सब के द्वारा मुझे इसकी घोर निंदा करने के लिए वहाँ से संदेश आया। परशुराम सेना जो हमारे बालाघाट सर्व ब्राह्मण समाज की सेना है, इसके युवा बहुत आक्रोशित हैं, किंतु ब्राह्मण क्षमाशील होता है ये सर्वविदित है। हम बुजुर्गों ने अपने युवा साथियों के आक्रोश को शांत किया है, उन्हें समझाया है, किंतु चेतावनी है किशोर समृति को कि वो ब्राह्मण समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा प्रार्थना करे, खेद प्रकाशन करे, अब ब्राह्मणों के चरणों में आकर अपना शीश नवाने, ब्राह्मण के चरणों में आने पर ही उसे अब शांति मिलेगी, अन्यथा भविष्य में कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये न आपको समाज के युवाओं की ओर से संदेश देकर बताना चाह रहा हूँ। आज हम आप लोगों के सामने आपसे बातचीत करने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि विगत कुछ दिनों पहले सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और इस ज़िले के महत्वपूर्ण समाज सेवी श्री राजेश पाठक जी के ऊपर में इस ज़िले के
एक जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि किशोर समृति जी के द्वारा अनर्गल टिप्पणी की गई और अनर्गल टिप्पणी के साथ साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के रूप में भी श्री राजेश पाठक जी के ऊपर में बहुत ही हास्यास्पद, तर्कहीन, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज शुरू से, जब से ब्राह्मण समाज का उदय हुआ है तब से ब्राह्मण समाज जो है तो धर्म ग्रंथों को, वेद शास्त्रों को मानने वाला समाज कहा जाता है और विशेष रूप से गौ माता जो हमारी जननी है, जिसका कोई भी कार्य हम लोगों से प्रारंभ, उसके बिना हम लोगों का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होता है। घर में यदि भोजन बनता है तो सबसे पहले गाय के लिए एक रोटी निकाली जाती है, उसके बाद ही भोजन नियमानुसार ग्रहण किया जाता है। ये बिल्कुल अकाट सत्य है, शाश्वत सत्य है, इसमें कहीं कोई शक सुबह की बात नहीं। आप सब लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इस बात को भलीभांति जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा, मैं जिम्मेदार कहूँगा वो हम लोगों के धर्मशास्त्रों के हिसाब से, हम लोगों की संस्कृति के हिसाब से, उनके ऊपर में एक अनर्गल टिप्पणी की गई और लांजी बाजार, मऊ बाजार और दूसरी जगह पर उनके ऊपर में 2 लाख गायों का कटवाने का आरोप लगाया गया। मिथ्या आरोप, मैंने पहले भी कहा कि ये मिथ्या, तर्कहीन, मनगढ़ंत है। यहाँ पूरे ब्राह्मण समाज के हमारे महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय श्री अनुज तिवारी जी, आदरणीय श्री रमेश दीक्षित जी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, हमारे अशोक दुबे जी, आदरणीय श्री आदित्य पंडित जी जो हमारे सेक्रेटरी भी हैं, श्री मुकेश तिवारी जी। और कोविड गाइडलाइन के तहत हमने बाकी लोगों को यहाँ पे नहीं बुलाया क्योंकि कोरोना का काल है, परिस्थितियाँ विपरीत है, शासन के भी कुछ नियम हैं, इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बाकी लोगों को नहीं बुलाया। लेकिन इसका जवाब देना हम लोगों ने महत्वपूर्ण समझा। दुर्भाग्य का विषय ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर स्वयं कई आरोप लगे हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कई आरोपों से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर कई मुकदमे मामले अभी भी लंबी तक चल रहे हैं, वो व्यक्ति एक ऐसे समाज को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक समाज के ऐसे समाज के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहा है जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं है। और इसको पूरे आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। राजेश पाठक जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लाख गायों को उन्होंने कटवा दिया। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो शुद्ध जनेऊधारी सनातनी ब्राह्मण हैं, अपने अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व संस्कृति को पूरे हर तरीके से मानने वाले व्यक्ति हैं, गौ पूजक हैं, गौ का स्थान उनके लिए महत्वपूर्ण है और हम सब ब्राह्मण समाज का स्थान महत्वपूर्ण है। ये आरोप जो है ये मिथ्या आरोप है, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आज इस अवसर पर किशोर समृति से कहना चाहते हैं कि वो इसके लिए सार्वजनिक रूप से लिखित में माफ़ी मांगे, अन्यथा इसके बाद हम लोग जो है वो प्रशासन के समक्ष जाके हर तरीके की बातचीत करने का काम करेंगे। जब राजेश पाठक जी के ऊपर में आरोप लगे तो हमने पुलिस महानिर्देशक, ये इसकी कॉपी है, पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक प्रति प्रेषित की, इसकी लिखित कॉपी है, इसकी हमने लिखित कॉपी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को लिखा है, हमने माननीय गृह सचिव मध्य प्रदेश शासन को भी दी है इसकी कॉपी और हमने माननीय DGP पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश को भी हमने कॉपी इसकी दी है। और आप लोगों के माध्यम से हम शासन प्रशासन, जिले के शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि जो व्यक्ति सिर से पांव तक अपराधों में घिरा हुआ है, जिसका काम है जालसाजी करना, जिसका काम है बड़े लोगों का चरित्र हनन करना, उनको ब्लैकमेल करना, मैं ब्लैकमेल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो ब्लैकमेल करना हर तरीके से, वो व्यक्ति हम लोगों के सामने, वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, जो बोलता है 2 लाख गाय कटवा दी, तो उसको वो प्रमाणित करे अपने आरोपों को और प्रमाणित नहीं करे तो सार्वजनिक रूप से इसकी माफ़ी मांगे। पूरा ब्राह्मण समाज इससे उद्वेलित है, हम इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, शासन प्रशासन से पुनः मांग करते हैं कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, हमारा फिर आपसे बार बार कहना है कि किशोर समृति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के अंतर्गत गिरफ्तार करके इनको भेजे, जिससे जानमाल की स्थिति भी खराब ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब ना हो, समाज का वातावरण प्रदूषित ना हो। ये सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है समाज के बीच में, लोगों के बीच में समाज को पाट कर लोगों को अलग थलग करने की एक सुनियोजित रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। हम लोग हर धर्म का, हर समाज का, हर व्यक्ति का, हर सामाजिक व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं,
बालाघाट जिले में बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण है। हर समाज का व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, एक दूसरे के साथ उठता बैठता है, एक दूसरे को के सुख दुख में शामिल होता है, एक दूसरे के धर्म कर्म में शामिल होता है। लेकिन इनके बयान से ये स्पष्ट आभास होता है कि ये कोई सुनियोजित रणनीति है, सुनियोजित सूचक है, जिसके तहत ये इस वातावरण को खराब करना चाहते हैं, समाज में खाई पाटना चाहते हैं। समाज के मुख्य पद पर बैठे हुए श्री राजेश पाठक आज सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, और सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के ऊपर में ये आरोप सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, ये पूरे जितने लोग बैठे पूरे ब्राह्मण समाज जिले के और मध्य प्रदेश के उनके ऊपर आरोप है। एक ब्राह्मण की जनेऊ का अपमान है, अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी नियमानुसार, कि गौ हत्या का आरोप लगाकर एक ब्राह्मण के ऊपर में इस तरह का आरोप लगाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जनेऊ के ऊपर में कुठाराघात है, उसके धर्म के ऊपर कुठाराघात है, उसकी सामाजिक मान्यताओं से कुठाराघात है और उसकी भावनाओं से कुठाराघात है। तो किशोर समृते इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या अपने आरोपों को प्रमाणित रूप से सिद्ध करे, और हम शासक प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और इनको ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वातावरण प्रदूषित न होने पाए, एक स्वच्छ सुंदर अच्छा वातावरण जो हमारे जिले का है वो व्यवस्थित रूप से जो चर्चा चला आ रहा है, जो परंपराएं हमारी चली आ रही है, जो धर्म संस्कृति हमारी चली आ रही है, वो धर्म संस्कृति वो परंपराएं हमारी एक साथ व्यवस्थित रूप से चले। हमारी ये पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से, सकल ब्राह्मण समाज की तरफ से, जनेऊधारी ब्राह्मण समाज की तरफ से और पूरे सनातन ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारी ये स्पष्ट मांग है। हमारे पूरे विप्रवर यहाँ पर, विप्र बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबके तरफ से भी हमारी ये मांग है। मैं आपको आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी बातों को आप प्रशासन तक पहुँचाएं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। बहुत जय परशुराम, जय परशुराम।